हेलो गाइस होप यू आर डूइंग वेल इस वीडियो में हम स्टैटिक राउट की डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू को चेंज करेंगे हमने आईपी राउट कमांड को नेक्स्ट आईपी और एग्जिट इंटरफेस के साथ टेस्ट किया है आई विल कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये बस हमको एडी वैल्यू को ही चेंज करना है सो लेट्स कॉन्फिगर द आईपी राउट कमांड ऑन राउटर्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू उससे पहले हमको सारे स्टेटिक राउट डिलीट करने होंगे हर एक राउटर से क्योंकि उसमें एक्सिट इंटरफेस के साथ राउट इंस्टॉल्ड है चलो तो फिर ओल्ड स्टैटिक राउट्स को रिमूव करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। यहां से मैं ऑलरेडी हटा चुका हूं राउटर टू पे चलते हैं राउटर टू पे आ, राउटर टू पे डन राउटर थ्री पे तो तीन ही राउट हैं इन तीन राउट को भी डिलीट करते हैं ओके okay, हर एक राउटर से स्टैटिक राउट एंट्री डिलीट कर दी है नाउ टाइम टू इंस्टॉल न्यू स्टैटिक नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल सेम स्टैटिक राउट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू उससे पहले क्या करते हैं हम यहां पर ही चेंज कर लेते हैं कि एक्चुअल में किसको कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू देनी है तो मैं क्या करता हूं राउट राउट वन 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 को हंड्रेड देता हूं यहाँ पे भी वन वन हंड्रेड यहाँ पे भी हंड्रेड यहाँ पे इसको देता हूं हंड्रेड इसको देता हूं हंड्रेड और इसको भी हंड्रेड दे देता हूं इसको भी हंड्रेड राउटर टू पे जितने भी राउट्स हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए मैं हंड वन फिफ्टी कर देता हूं वन फिफ्टी यहाँ पे भी वन फिफ्टी यहाँ पे भी वन फिफ्टी वन फिफ्टी इस राउट को भी 150 कर देते हैं और यहाँ पे राउटर थ्री पे जितने भी हम इंस्टॉल करेंगे उन पे हम टू राउटर टू पे जब मैं स्टेटिक राउट इंस्टॉल करूंगा तो उनपे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू वन होगी जब मैं राउटर थ्री पर इंस्टॉल करूंगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस टू होगी तो चलो कॉपी और पेस्ट करके इस काम को इजी करते हैं डन उसके बाद हम करते हैं यहां पे टू पे टू के लिए डन थ्री पे चलते हैं थ्री पे भी डन हर एक राउटर पे राउटिंग टेबल को वैलिडेट करते हैं अगर आप देखेंगे यहां पे तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू वन थी अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू हंड्रेड हो गई लेकिन मैट्रिक अभी भी जीरो ही है न नॉट चेंज द मैट्रिक मैट्रिक का कोई रोल ही नहीं होता है स्टेटिक राउट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू का ही हमेशा रोल होता है तो राउटर टू पे चेक करते हैं तो राउटर टू पे हमको ईडी दिखाई दे रही है वन फिफ्टी मैट्रिक जीरो राउटर थ्री पे चेक करते हैं डू शो आई पी राउट यहां पर हमको एडी दिखाई दे रही है टू हंड्रेड फॉर ऑल थ्री राउट्स एक बार पिंक टेस्ट भी कर लेते हैं वन डॉट वन डॉट वन पिंग हो रहा है लूप बैक से पिंग करके देखते हैं सोर्स लूप बैक वन ये भी पिंग हो गया और वन नाइनटी टू राउटर टू का लूप बैक है ये भी पिंग हो गया इसको सोर्स लूप बैक वन से पिंग करते हैं वो भी पिंग हो गया लेट्स मेक सम चेंजेस मैं इस वाले राउट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 255 कर देता हूं तो सबसे पहले तो मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूं

अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फिलहाल मैं आपको बता देता हूं जिस भी राउट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू लोअर होगी वो हमेशा प्रीफर्ड राउट होगा जिस भी राउट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 255 होगी उसका मतलब है दैट राउट इज नॉट रीचेबल इसलिए वन नेटवर्क राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि उस राउट की एडी वैल्यू 255 है अगर कोई यूजर वन नाइनटी का है और वो वन डॉट वन डॉट वन को पिंग करने की कोशिश करता है तो उसका ट्रैफिक वन डॉट वन डॉट वन तक पहुंच जाएगा लेकिन राउटर थ्री के पास वन टू वन सिक्सटी एट हंड्रेड डॉट जीरो के लिए राउट नहीं है इसलिए ट्रैफिक राउटर थ्री पे ही ड्रॉप हो जाएगा मैं वेरीफाई करके आपको दिखाता हूं मैं क्या करता हूं पिंग करो वन डॉट वन डॉट वन पिंग हो रहा है यस yes. क्योंकि मैंने जो अभी ट्रैफिक भेजा है वो सोर्स में वन टू वन सिक्सटी एट ट्वेल्व डॉट वन को यूज करके गया है दिखा देता हूं मैं आपको डेबाग आईपी आईसीएमपी कमांड कर चला के अगर आप देखेंगे किसने भेजा था राउटर वन ने भेजा किसको रिप्लाई मिला वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट ट्वेल्व डॉट वन को इट मीन कि जब राउटर वन ने आईसीएमपी पैकेट 1.1.1 को भेजा तो उसने सोर्स में 192.168.12.1 को यूज किया अगर मैं फिर से पिंग इनिशिएट करूं किसके लिए 1.1.1 के लिए और सोर्स में क्या ले जाऊं लूप बैक 1 का आईपी एड्रेस तो राउटर 1 क्या कर रहा है पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है किसको राउटर 3 को राउटर 3 आईसीएमपी पैकेट को रिसीव तो कर रहा है लेकिन रिप्लाई करते समय उसको ड्रॉप कर रहा है

अगर मैं शो आई पी राउट करूं तो उस केस में क्या होगा मेरे पास 192.168.100.0 की एंट्री है ही नहीं राउटिंग टेबल में जिससे क्या हो रहा है ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जा रहा है एक और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं इसी में डू शो रन सेक्शन आईपी राउट मैं क्या करता हूं इस 200 वाली एंट्री को अभी सॉरी 100 वाली एंट्री को डिलीट कर देता हूं ओके डू डिबग आईपी राउटिंग एक्टिवेट कर लेते हैं जब मैं इस राउट को एक्टिवेट करता हूं तो ये कह रहा है आर टी अपडेटिंग स्टैटिक राउट वन नाइनटी टू वन सिक्सटी और रिप अपडेट रिटर्न कोड टू रिटर्न कोड टू क्या होता है जब आप पैकेट कैप्चरिंग करेंगे तो आपको दिखाई देगा या आपको अगर क्या नाम है डिबगिंग के बारे में और कुछ जानना है तो आप सिस्को सिस्को के डॉक्यूमेंट भी रेफर कर सकते हैं अगर मैं ये राउट फिर से डिलीट कर देता हूं और इसको ईडी वैल्यू 254 के साथ ऐड करता हूं तो उसके मैसेज आता है और एक फ्लैग आता है एड एड क्या करना है 190 to वाया किसके इसके और स्टैटिक मेट्रिक कितनी होनी चाहिए तो जब ये मैसेज आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपका राउट ग्लोबल राउटिंग टेबल में एड हो गया है जब आपको यह कोड दिखाई दे रिप अपडेट रिटर्न कोड टू इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू में जिससे कि इस राउटर ने उस राउट को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं किया है आई होप स्टैटिक राउट विद एडी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए श्योरली मैं आपके सजेशन पे वर्क करूंगा और आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश भी करूंगा इस टाइम टू से बाय मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ एंड योर लाउट वंस